नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में। मित्रों, ये वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि फरवरी की सुबह 8 बजे से तुला राशि वाले जातकों के जीवन के सारी समस्याओं से, दुख तकलीफों से, आर्थिक तंगों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। आपके जीवन में इस समय घर बनाने का सपना, वाहन लेने का सपना और किसी नई जगह नई प्रॉपर्टी में निवेश करने का सपना भी आपके साकार होंगे। आपके इज्जत 5% होंगे। आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी तुला राशि के जातकों को अवश्य होने वाली है। कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और तुला राशि के जातकों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दे अवश्य लिखें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का नसीब चमकने वाला है, भाग्य का साथ भी प्राप्त होने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने के कारण जीवन के सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकेंगे। आपको इस समय बुरे समय का अंत होने वाला है। आप इस समय किसी व्यवसाय की यात्राओं पर जा सकोगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में दुगने लाभ की प्राप्ति होंगे, जिनसे आपके परिवार के आर्थिक स्थितियां भी समाप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेंगे। आप किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर सकोगे। आपके द्वारा कार्यों की प्रशंसा भी होंगे और किसी समस्याओं का समाधान भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों को परिवार के लोगों का सहयोग भी अवश्य हासिल होंगे। आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं और आपको बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है। आपको संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को मैं बता दूं कि आप लोगों को सफलता की प्राप्ति अवश्य होंगे। आप इस समय किसी भी अजनबियों पर भूंद कर भी आप इस समय विश्वास न करें। आपका पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है। दोस्तों के साथ संबंध काफी अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आपको लगातार धन दौलत की प्राप्ति होंगे। आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा भी बने रहेंगे। तुला राशि के जातकों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। जिंदगी में चल रहे तनाव भी दूर होंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने मनपसंद भोजन का आनंद ले सकोगे। परिवार के लोगों के साथ आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर भी प्राप्त कर सकोगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में बदलाव करने के मौके भी प्राप्त होंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर आप जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकेगा। आपके शादी में आने वाले सारी रुकावटें भी अवश्य दूर होंगे। ऑफिस के कार्यों का आप आसानी से कर सकोगे। पिता के सहयोग से आप अपने सारे के सारे अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ के मौके भी प्राप्त होंगे। भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी प्राप्त होंगे। सामाजिक और रचनात्मक कार्य पूर्ण होंगे। आप अगर किसी को उधार दिए हैं तो वो भी वापस हो सकेंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नई योजनाएं बना सकोगे। स्टेशनरी के कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आप अपने परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। आपके मन में पढ़ाई लिखाई को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर जो भी प्लान चल रहे हैं, उन सारे के सारे प्लानों को सफल कर सकोगे। मित्रों, माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आपको अनोखे परिवर्तन करने के मौके मिल सकते हैं। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं और आपके जीवन में जो भी बदलाव होगा वह काफी अच्छा होने वाला है तथा आपके बुरे समय का दौर खत्म हो चुका है। आपको अच्छे और बेहतरीन कामों को करने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थितियों में भी आपको विशेष बड़ा सुधार होंगे। आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्यापार में कुछ नया अवसर मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आपको दाम्पत्य जीवन में खुशियों प्राप्ति होंगी। आप अपने दुश्मनों पर विजय को हासिल कर सकते हैं। आपके धन दौलत में बढ़ोतरी होंगी। आपको नई चीजों की, महंगी चीजों की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं। मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले समय आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करके आया है। आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। परिवार में आपको माता पिता का सहयोग सबसे अधिक मिलेंगे। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। परिवार में
में आपको खुशहाली का माहौल रह सकता है। जुमाद में आपको यश और वैभव की प्राप्ति होंगी। पति और पत्नी के बीच आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपको रोजगार के लिए उचित अवसर मिल सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेल कूद में आप काफी ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। आपका यश में आपके लिए काफी शुभ और काफी अच्छा रहने वाला है। आपको हर मनोकामनाएं हर सपनों को पूरा करने के मौके मिल सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। आप लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आपके नसीब में धन लाभ का समय आ चुका है। आपको मित्रों से मदद मिल सकती है और कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को काफी ज्यादा सहयोग मिल सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अनोखे परिवर्तन करने के मौके भी प्राप्त होने वाला है। आपका बताना चाहेंगे कि आप लोगों पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आ रही दुख तकलीफें और समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने अधूरे सपनों को साकार करने की पूरी पूरी कोशिश भी लगातार अपने जीवन में कर सकते हैं तथा आपको कोई बड़ी खुशखबरी हासिल होंगी। रुका वधन भी आपको वापस मिल सकता है। जिम्मेदारी से भरा उठाया गया कदम भी आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा धैर्य जरूर रखने होंगे। समय का आनंद लें। धन लाभ आपको अवश्य होंगे। आपके जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित कर सकते हैं। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। आगे भी आपको आर्थिक लाभ के शुभ संकेत मिल सकते हैं। आपके खर्चों में वृद्धि होगी परंतु आपका मन काफी प्रसन्न हो सकता है। आप साहसी तथा अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। आपको परिवार की स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने की जरूरत होगी। आपको आवश्यकता के अनुसार हर तरह की नीति का उपयोग करने होंगे। किसी भी तरह के घर परिवार की स्थितियों को बेहतर बनाने का आप प्रयास करें। आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय भी आपको काफी ज्यादा सुकून दे सकता है। आप लोगों को अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी हो सकता है। क्रोध की वजह से जोखिम उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चमकने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के साथ साथ आपके परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। आपके परिवार में चल रहे किसी भी प्रकार के विवादों का अंत होंगे। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में अनोखी सफलता मिल सकती है। आपको घर परिवार में चल रही आर्थिक समस्याओं को दूर करने के मौके मिलेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होंगी और धन दौलत में भी इजाफा हो सकता है। व्यापारियों को कारोबार में लाभ हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के वेतन में वृद्धि होगी। आर्थिक तंगियां भी पूरी दूर होंगी। इस समय के दौरान आपको हर कार्य में सफलता मिल सकती है। जीवन साथी का प्रेम और सानिध्य मिल सकता है। आपको जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ बिताने का समय भी आपको जीवन में सुकून दे सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हर हाल में आपको सफलता की ओर ले जाएंगी और आपको विशेष प्रकार की अवधि और कई काम काजों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में लाभ कमाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी लंबी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार काम काजों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने निर्धारित कार्य को समय से पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में अचानक से आपकी किस्मत पे चमकने वाली है। आप धन दौलत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपके भाग्य में बड़ा बदलाव हो सकता है जिनके कारण आप जल्दी ही मालामाल हो सकोगे। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सबसे अधिक रहेंगी। भगवान शनिदेव जी का नाम लेकर आपके जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप लोगों को सभी प्रकार के दुख दूर करने के मौके मिल सकते हैं। आप लोगों के अधूरे सपने भी पूरे होंगे और आपका भाग्य भी आपके साथ रह सकता है। आपके जीवन में सफलता हासिल करने के मौके मिल सकते हैं। आपको संतान से सुखों की प्राप्ति होंगी। पैतृक संपत्ति के द्वारा धन लाभ हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ऊंचाइयों को छूलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस दौरान धार्मिक कार्यों में संलग्न होने के मौके मिल सकते हैं। आपको संतान के सुख के अवसर मिल सकता है। इस गोचर अवधि में आपका मन काफी प्रसन्न रह सकता है। आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप जीवन में हर कर्म और हर दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं तथा आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने समय को बेहतरीन बनाने के मौके मिल सकते हैं। आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आप किसी भी प्रकार के कोई भी गलतफहमियों को अपने जीवन में न पालें। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी मिल सकते हैं। आपके घर में पैसों की बरसात होंगी और आपका मन काफी अच्छा लग सकता है। आपके घर में परिवार में सुख शांति और समृद्धि के सन आ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी स्वस्थ होंगे। आपका रुका हुआ कोई काम पूरे होंगे। आपको दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। शासन सत्ता से सहयोग मिल सकते हैं। आपको विजय के मामले में सफलता हासिल होंगी। आप किसी भी दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तथा आपको वांछित परिणामों की प्राप्ति होंगी। व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है।
आप सामाजिक गतिविधियों में अच्छी तरह से प्रणित हो सकते हैं, यहां तक कि आपको राजस्व को बढ़ाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लंबे समय से चली आ रही दिमाग में किसी प्रकार की कोई समस्याओं को दूर करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं तथा आपके जीवन में आपको दुख तकलीफें समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से लाभ कमाने के मौके भी आपको अवश्य हासिल होंगे। आपका मन काफी प्रसन्न होंगे, आपके कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होंगी, आपके दुखों को दूर करने का समय आ चुका है। आप अपने दुख तकलीफों से भी छुटकारा पा सकते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप अपनी बीमारी और अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको किसी शारीरिक समस्याओं और मानसिक रुकावटों से भी दूर हो सकते हैं। आपको अपने क्रोध पर संयम रखने की जरूरत रह सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सुधार होंगे। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। करियर में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। पुराने दोस्तों से मिलकर आपको संतान से सुख मिल सकता है और सार्थक काम में लगाने से आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। आपको अपने जीवन में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी नुकसान कर सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में आप अपने दिन की शुरुआत काफी अच्छे से कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। कार्य के सिलसिलों में आपकी यात्राएं काफी अच्छी होंगी। आप अपने द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के कोई भी वाद विवादों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले अपने जीवन में आपको लागू करने होंगे। अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यों में मिली सफलता के कारण आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां काफी अच्छी होंगी और विद्यार्थियों के लिए समय बेहद फलदायी रह सकता है। आपको पैसों से जुड़े कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं और कुछ बड़े रुके हुए कार्य को आप सही समय पर कर सकते हैं तथा आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी और अचानक से आपके कुछ बड़े कार्य भी रुके कार्य भी सही समय पर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप जो भी अपने कार्य को हाथों में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। आप लोगों से अपने कार्य निकलवाने में सफल होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि होंगी। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होंगे। वर्षों से रुके हुए काम आसानी से होंगे। विदेश